दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था आज से कुछ दिन पहले, जहां पे मैंने लेनोवो आइडिया पैड का रिव्यू किया था, जो लैपटॉप मैंने खरीदा है 3 महीना पहले आज से। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या ये लैपटॉप यूजफुल है अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, क्या इस लैपटॉप का यूज करके हम अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो लैपटॉप है अप्रॉक्स 50,000 से ऊपर का है। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 या 10,000 या 5,000 भी कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर ये सामान मैं खरीद रहा हूँ तो क्या ये मेरे काम का है या नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं यही चीज बताऊंगा आपको कि वाकई में इस लेनोवो आइडिया पैड पे जो मैंने ये लैपटॉप मेरे आप बगल में देख रहे हैं, क्या ये यूजफुल है वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 8GB है और इसका जो हार्ड डिस्क है 512GB SSD है और ये i5 के वेरिएंट में है। तो क्या इसका यूज आप कर सकते हो कि नहीं वीडियो एडिटिंग के बारे में। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लैपटॉप है ये मैंने इसको वीडियो एडिटिंग के लिए ही खरीदा है और मैं खुद YouTube पे वीडियो बनाता हूँ और इसे एडिट करता हूँ। तो ये सारी चीजें डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी कि अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हैं तो ये पैसा वसूल है या नहीं, आपका ये काम इससे हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा जो फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, कि मैं इसको यूज करूंगा, इस पे आपके सामने चलाऊंगा इसको और दिखाऊंगा कि कैसा चल रहा है। ये खुद आप देख लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप है और यहाँ पे मैं एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ आपको अपने सिस्टम का, कि मेरे सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये लेनोवो आइडिया पैड ये है i5 वेरिएंट में है, CPU इसका जो है ये है 1.00 GHD ये इसका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे 8GB जो इसका रैम है और ये लैपटॉप का जो है सिस्टम है, ठीक है, आपने ये चीज देख लिया। अब हम इस पे देखेंगे कि कैसा ये चल रहा है, अगर हमें वीडियो एडिटिंग करना है तो हम कर पाएंगे सही से या नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो एडिटिंग का जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, फिल्मोरा यूज करता हूँ। फिल्मोरा भी अपने आप में एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। तो अगर ये इस पे सही चलता है तो ये सिस्टम जो है पास हो गया आज के टेस्ट में। तो ये वंडरशेयर जो फिल्मोरा है, हमने इसको ओपन किया। अब आप देखेंगे इसको, देखिए कि कितना टाइम लेता है ओपन होने में और कैसे ओपन हो रहा है ये। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा बड़ा है तो कुछ सेकेंड्स तो लेता ही लेता है ओपन होने में। आप देख सकते हैं इसको कितना टाइम लगा रहा है। और ये सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा, मतलब किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम होगा तो इतना टाइम तो लेगा ही अगर आप ओपन करेंगे इस सॉफ्टवेयर को। तो एक बार वेट करते हैं, देखते हैं, ये ओपन हो गया, ठीक है, कुछ सेकेंड में ओपन हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पे काम करते हैं, कोई एक वीडियो लेते हैं। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक किया, मैं डेस्कटॉप पे आया, यहाँ से कोई भी एक वीडियो मैं उठा लूंगा यहाँ से। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, चलो मैंने ये वीडियो उठा लिया, एक ये वीडियो आ गई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रख लिया। अब हम यहाँ पे एडिटिंग का काम करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे मैंने इसको चलाया। तो ये आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कहीं पे कुछ भी एडिट कर रहे हैं हम, कुछ भी यहाँ पे कोई हमने और इमेज हमने डालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे गए, हमने डेस्कटॉप से उठाया कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी, अगर हमें सपोज हमें ग्रीन स्क्रीन लगाना है यहाँ पे, सब्सक्राइब बटन तो हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे हमने ये डाल दिया, यहाँ पे इसको साइज यहाँ पे कम कर लिया। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसको बहुत ही स्मूथ चलता है। अगर मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ
स्मूथ चलता है, कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन मैं ओपन करता हूँ इजिली ओपन हो जाता है और प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक मुझे। तो ये इस तरह से आप एडिट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, और अगर एक्सपोर्ट आप करोगे इसको तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो इसको, किसी भी वीडियो को जब एक्सपोर्ट होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस करते हैं सॉफ्टवेयर, तो जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिस्टम ओवरऑल स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे लैग नहीं करता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं इस लैपटॉप को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली मेरे माई गियर्स वाले सेक्शन में आपको मिल भी जाएगा इस लैपटॉप का अमेजोन का लिंक, आप उसको ओपन करके जा सकते हैं और उस प्रोडक्ट का देख सकते हैं प्राइस और सारी चीजें रिव्यू, और आप स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में, और वहां से आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।